वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। तो आ चुके हैं आप लोगों के लिए शानदार हिस्ट्री के सेशन को लेकर फिर से एक बार। देखते हैं आज के अपने सेशन में क्या है और क्यों है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको याद होगा पिछले दिन, सबसे पहले तो आप मेरे को रिप्लाई दीजिए, क्या आवाज साफ जा रही है, कोई बफरिंग तो नहीं हो रही है। जल्दी से सबसे पहले रिप्लाई दे दो तो फिर आगे की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अब लोग तो आ ही रहे हैं। सर बहुत लेट हो गया आज। लेट तो नहीं हुआ है बाबू, वी आर ऑन टाइम, बट आज था क्या कि सिस्टम चालू नहीं था, क्योंकि आज उदित नारायण सर का क्लास हुआ नहीं था ना, तो सब चीज आना तुरंत चालू करना, तो 5 मिनट आगे पीछे चलता है, इतना तो आप लोग भी समझते हो। लाइट ऑफ था सर जी। अच्छा, मनर्दन पंडित, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए ऑल क्लियर ना, तो ऑल क्लियर है। विक्की ने जवाब दे दिया, सब सही है, आवाज भी सही आ रही है, पिक्चर भी सही आ रही है, बफरिंग भी नहीं हो रही है। चलो जय हिंद सर। जीके का कोर्स कब तक समाप्त कर दीजिएगा? आज खत्म कर देते हैं जीके, इतना दिमाग क्या लगाना है। आज जीके की हिस्ट्री की आखिरी क्लास है, आप आराम से कीजिए और कल से आराम से मैथ रीजनिंग सब पढ़िए। अरे बाबू ये सवाल ही गलत है ना, आप ऐसा क्यों समझते हैं। सर एसआई का रिजल्ट हो गया है? हाँ रिजल्ट तो हो गया है, एसआई का आ गया है। सर करेंट अफेयर पढ़ाइएगा? जी बिल्कुल पढ़ाएंगे। सर लाइट ऑफ कर दीजिए, लाइट कौन सा जला रहे हैं, ऑफ कर दीजिए लाइट कह रहे हैं ये लोग। अच्छा ये पीछे विंडो वाली खिड़की है, उसकी जो है ना, जब तक उसमें कार्टन लगेगा नहीं तब तक वो सही होगा नहीं, तो रुक जाइए उसको करते हैं अभी। कुछ लोग आएंगे तो ही वो ढक पाएंगे, पीछे जो बाजार समिति वाले ब्रांच में पता है ना आपको, डक जो छोड़ा गया हवा आने जाने के लिए, उसका रिफ्लेक्शन ये लाइट नहीं है, ठीक है, तो उसको बंद करेंगे तो ही वो सही हो पाएगा। चलिए तो सब लोग जुड़ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं। सर करेंट अफेयर पढ़ाइएगा? सर जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, पढ़ाने के लिए ही तो आए हैं, तो नहीं कैसे पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले बहुत प्रकार के सवाल होते हैं आप लोगों को, पहले तो मैं उन्हीं को देख लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। चलिए अब कोई सवाल नहीं है, अब केवल गुड मॉर्निंग और जय हिंद बचा हुआ है, तो चलिए अभिवादन सबका स्वीकार करते हैं, आप सबको भी अभिवादन दे देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, सुप्रभात। आइए अब क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पिछले दिन मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, तो आप लोगों ने मेरे को बताया था कि हिस्ट्री वह है जिसके पास कोई रिटेन एविडेंस होता है। जल्दी सा मैं 2 मिनट में रिकैप्चुलाइज करवा देता हूँ। हिस्ट्री वो है जिसका कुछ ना कुछ रिटेन एविडेंस होता है, हिस्ट्री वो है जो पास्ट की घटनाएं होती है, और भारत का इतिहास जो सही वे में है वो कब है, 600 BC के बाद से है, क्योंकि यहां से भारत के इतिहास के रिटेन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। जब मैंने रिटेन डॉक्यूमेंट्स की बात की तो आपको ये बताना है कि भारत ने 1400 BC में, भारत से जुड़ा हुआ 1400 BC में एक रिटेन डॉक्यूमेंट पाया गया है ईरान से। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ कि भारत से जुड़ा हुआ जो एक डॉक्यूमेंट है। सर आप पटना आ सकते हैं जी, आपको पटना आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्लास आने से भी हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सरकार ने जब तक हामी नहीं भरी तब तक रुक जाइए। यूपी में 1 जुलाई से सब चीज खुल जाने वाला है, होप्सो कि बिहार में भी खुल जाए। आइए ना, आप लोग का तो इंतजार हम लोग को तहे दिल से है, आप आइए, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका। तो चलिए, तो मैंने पूछा कि 1400 BC में ईरान से एक रिटेन एविडेंस पाया गया है, मनर्दन पंडित ने जवाब दिया है बोगज कोई, बहुत अच्छा मनर्दन जी, बाकी लोगों ने जवाब दिया नहीं लगता है, बोलो क्लास में थे नहीं। द राइट आंसर इज बोगज कोई, ठीक है, यही है पहला रिटेन एविडेंस। बोगज कोई में बेसिकली है क्या, तो बोगज कोई में बताया गया है कि दो राजा है, दो राजा के बीच युद्ध की घटना को बताया गया है। यह भी पूछ देता है कि बोगज कोई में क्या लिखा हुआ है, तो बोगज कोई में दो भारतीय राजाओं के बीच युद्ध की घटनाएं बताई गई है। अब देखो एक लाइट बंद हो गया होगा, पीछे से कुंदन जी ने कुछ इंतजाम किया है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है, कुछ नहीं बहुत अच्छा इंतजाम किया है, थोड़ा सा छेद है लेकिन वो भी भर जाएगा धीरे धीरे। तो आज आप लोग के समस्याओं का समाधान कुंदन जी कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब एक स्पॉट आ रहा है उसको भी वो दूर कर देंगे यहाँ पर जो आ रहा है। चलिए तो बोगज कोई इंस्क्रिप्शन हो गया। सर आप भी एसआई का एग्जाम दिए थे? बाबू मैं एसआई नहीं दे सकता क्योंकि मेरा फिजिकल फिट नहीं है, आपको लगता है मैं दौड़ पाऊंगा, मैं उस लायक हूं ही नहीं, हमसे दौड़ भाग नहीं हो सकता है, मैं इस लायक नहीं बना हूं इस दुनिया में, पता नहीं चलता है आप लोग को, आप लोग तो क्लास में देखे है ना फिजिकली कैसे लोग होते हैं, वी आर नॉट फिजिकली फिट, ठीक है, दे तो सकते थे, क्वालिफाई भी कर लेते बट फिट ही नहीं है। चलिए एक तो ये हो गया कि क्या है पूरा इधर का स्टेटस। अब दूसरी जो चीज आपको जाननी है वो ये जानना है कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास के कुछ सोर्सेस हैं
और मैंने इन सोर्सेस को आपको तीन भाग दो भागों में बेसिकली बांट के दिखा दिया था। एक दिखा दिया था आर्किटेक्चरल और एक दिखा दिया था लिटरेचरल, है ना। तो आर्किटेक्चरल मतलब पुरातात्विक और लिटरेचरल मतलब साहित्यक। तो आर्किटेक्चरल में हम लोगों ने चर्चा किन पे किया था, बस वो हम आपको बताने वाले हैं, और जो बचा हुआ है उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो मैंने चर्चा किया था शायद मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन पे, यही पे चर्चा हुआ था ना, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, इस पे तो चर्चा ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। दूसरी जो चर्चा हम लोगों ने की है शायद क्वाइंस पे चर्चा की है। तीसरी चर्चा किस पे हुई है जरा बता दीजिए, स्टैचू पे चर्चा हुई है, स्टैचू पे अभी होगी, अच्छा। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे बिल्डिंग रिमेनिंग्स, इस पे भी चर्चा नहीं हुई है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे पॉटरी, कैसे कैसे बर्तन हुआ करते थे उसको देख लेंगे। तो इन सब चीजों पे अभी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चर्चा का काम जो है बचा हुआ। अभी बाजार समिति में क्लास चल रहा है क्या गुरुजी? जी हाँ बिल्कुल, अभी यहीं पे चल रहा है। मूर्तियां, मृद भांड, बिल्कुल सही है, ये भिकना पहाड़ी में। नहीं नहीं बाबू, बाजार समिति में क्लास है, और इससे क्या लेना देना है बाजार समिति भिकना पहाड़ी, ऑनलाइन क्लास चल रहा है ये आप जानिए, ठीक है। क्लासेस तो ऑनलाइन ही चल रही है। चलिए, तो मैंने आपको कल मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन बता दिया, मैंने आपको कल क्वाइंस बता दिया। लेट्स राइट अबाउट द स्टैचू, मूर्तियां, आइडॉल्स, लिखो स्टैचू या आइडॉल्स या मूर्तियां। अब इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या है स्टैचू, क्या है आइडॉल्स और क्या है। सर वीडियो भी दिखेगा, किस चीज का वीडियो दिखना है भाई? चित्रकला, अच्छा वो जो कहा था मैंने कल की वीडियो दिखाऊंगा, पिक्चर ही दिखा पाऊंगा, वीडियो पे मैंने भी काम किया नहीं है। अरे बोला तो वीडियो दिखाऊं, क्यों नहीं दिखाऊं, लेकिन लोग हो तब तो। अभी तो कितने लोग हैं, 30-35 लोग हैं, इसमें कितना मेहनत कीजिएगा आप, अभी समझिए। अंदर से निकलता है ना मेहनत, क्या होता है अंदर से निकलता है, कितना मेहनत करना वो आप निकलवाते हैं। अब यहाँ निकलवाने के लिए कोई है ही नहीं तो हम लोग क्या करें। देखिए स्टैचू या आइडल्स की बात करें तो यहाँ तीन प्रकार की स्टैचू है, ठीक है। तो लिख दीजिए थ्री टाइप्स ऑफ स्टैचू, और वो तीन तरह की स्टैचू कौन कौन सी है उसको समझिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि हड़प्पा के समय की जितनी भी मूर्तियां हैं वो बहुत छोटी साइज की होती है। हड़प्पा कालीन सारी मूर्तियां बहुत छोटी आकार की है, बहुत छोटी आकार की है। और वही अगर बात किया जाए हड़प्पा के बाद की, तो इतिहास का जो सबसे बड़ा मूर्ति निकाला गया है वो निकाला गया है कनिष्का का, ठीक है ना। तो लिख दीजिए सबसे बड़ी मूर्ति कनिष्क की पाई गई है, लंबे कद की सबसे बड़ी मूर्ति कनिष्क की पाई गई है, लंबे कद की सबसे बड़ी मूर्ति कनिष्क की पाई गई है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि हड़प्पा कालीन सारी मूर्तियां जो है वो बहुत छोटे आकार की है, और दूसरा याद रखना है कि सबसे लंबे चौड़ा कद होंगे और सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो किनकी है, तो वो कनिष्का की पाई गई है। ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। नाउ वी आर ऑन द थ्री टाइप्स ऑफ स्टैचू। अब ये तीन प्रकार के स्टैचू कैसे कैसे हैं, मूर्तियां कैसे कैसे हैं। तो आपको पता है कि प्राचीन काल में भगवान की पूजा हुआ करती थी, और मूर्तियां ज्यादातर किनकी होंगी, भगवान की ही होंगी। तो हड़प्पा काल में तो भगवान की मूर्तियां बहुत छोटी छोटी थी, कनिष्क के शासन काल में देखा गया तो कनिष्क की ही मूर्ति सबसे बड़ी निकल कर आ गई थी। लेकिन अगर प्राचीन समय में बात करें तो प्राचीन समय में तीन प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, मतलब मूर्तियां बनाने की तीन शैली थी, ठीक है। तो चलिए लिखिए कौन कौन सी शैली है। सबसे पहला शैली लिखो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे उसके बारे में। चलिए तो लिखिए सबसे पहली शैली के बारे में। सबसे पहला जो शैली है वो है मथुरा शैली, दूसरी जो शैली है वो है गंधार शैली, और तीसरी जो शैली है वो है अमरावती। तीनों से सवाल हुए हैं। मथुरा शैली मध्य भारत में पाई जाने वाली शैली है, उत्तर भारत में पाई जाने वाली शैली है,
गंधार शैली मध्य भारत में पाए जाने वाली शैली है। वैसे गंधार अफगानिस्तान में है, लेकिन ये मध्य भारत की शैली थी। और अमरावती दक्षिण भारत की शैली है। अमरावती किसकी राजधानी है? अमरावती किसकी राजधानी है? जल्दी कमेंट करो तो जरा, अमरावती किसकी राजधानी है? सब लोग जवाब दीजिए, अमरावती किसी की राजधानी है क्या? बताओ तो जरा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? जल्दी बताइए, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आंध्र प्रदेश कैपिटल? आंध्र प्रदेश, बहुत अच्छा, मौर्य जी ने जवाब दे दिया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। वैसे तो आंध्र प्रदेश की तीन तीन राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश में पांच पांच मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री और पांच उप मुख्यमंत्री, मतलब छह मुख्यमंत्री हो गए एक तरह से देखा जाए तो, तीन तीन राजधानी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश अच्छा काम कर रहा है अभी, वहां तो एक नया लीडर अभी है, तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे ही करेंगे। अब आपको दिखाया मैंने कि तीन प्रकार की मूर्ति शैली है, एक है मथुरा शैली, एक है गंधार शैली और एक है अमरावती शैली। अब आपको जानने की इच्छा कि मथुरा शैली में मूर्ति कैसी होती है, गंधार शैली में मूर्ति कैसी होती है और अमरावती शैली में मूर्ति कैसी होती है, तो चलिए देखते हैं। मथुरा शैली में अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति जो हो गई ना, वो सब इसी आकार की है, भगवान महावीर वाली मूर्ति। और भगवान महावीर की मूर्ति क्या है आपको पता है? सर मुड़वाए, सर पे बाल नहीं होगा, योगी की अवस्था में बैठे हुए, योगी की अवस्था में बैठे। तो ये जो पंसन काम करता है, ये पंसन कहलाता है मथुरा शैली। एंड व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट द गंधार सिस्टम, इन द गंधारा सिस्टम द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बौद्ध के मूर्ति, बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है, ये गंधार शैली में पाई जाती है। ऐसे ऐसे करके बैठे रहेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। और अमरावती की मूर्ति देखे तो ऐसा कुछ पत्थर रहेगा और यहाँ पे भगवान का दो आंख बना दिया जाएगा। तो दक्षिण भारत की मूर्तियां आपने देखी होगी, जितनी भी दक्षिण भारत की मूर्तियां होती है पत्थर की होती है, और पत्थर पे जब दो आंख बना दिए जाते हैं तो ये बन जाती है अमरावती स्टाइल की मूर्ति, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी थ्री स्टाइल्स ऑफ आइडल्स और स्टैचू। चलिए आपको जल्दी सा इमेज दिखाते हैं क्या है नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा काल की जो मूर्ति है वो बहुत छोटे साइज की होती थी, तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं हड़प्पा की मूर्तियां ही कुछ आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। आइडल्स ऑफ हड़प्पा, देखिए कुछ मूर्तियां, ये मूर्तियां आपको यहां भी मिल जाएंगी देखने को। ये मूर्ति तो पटना संग्रहालय में भी आपको मिलेगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाली, एनसीईआरटी किताब की ये सबसे बेस्ट पिक्चर जो है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में आपको ये पिक्चर मिल जाएगी, देखते रहिए। पटना संग्रहालय भी जब आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी देखने को, ये सब हड़प्पा कालीन मूर्तियां हैं। देखो पत्थर से ज्यादातर मैंने बोली थी छोटी मूर्तियां हैं, दिख रही होगी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, तो एक प्रकार से भगवान ही लोग इनको मानते हैं। देखो यहाँ पे ये सब पहने हुए हैं, जो मुकुट वगैरह होता है ये सब पहने हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादातर छोटी आकार की मूर्तियां पाई जाती है सब भगवान। देखो गणेश जी लग रहे हैं, ये बुद्धम भगवान है, ये शंकर जी है, नटराज की मूर्ति है, ठीक है। तो ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, शंकर जी है क्योंकि उस समय पशुपति की बहुत पूजा होती थी। आप देख सकते हो सारी पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपके हड़प्पा कालीन मूर्ति। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आदम कद की सबसे बड़ी मूर्ति है वो किसकी है? कनिष्का की है। तो आइए उस पे भी हम आपको काम करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं, आदम कद वाली कनिष्क की स्टैचू, शायद हो कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही आदम कद वाली स्टैचू है कनिष्का की, ठीक है। कनिष्का एक बहुत ही महान योद्धा था, देख लो यही है, यही है, यही पाया गया उस समय का सबसे बड़ा स्टैचू, जो आदम कद की स्टैचू है, जो कनिष्का के द्वारा आप देख रहे हो, कनिष्का ने इसे बनवाया था। तो ये तो हो गई कनिष्का की आदम कद की स्टैचू की बात। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं थ्री सिस्टम ऑफ आइडल्स, ठीक है, मंदिर निर्माण की तीन शैलियां।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सी शैली, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट, मथुरा स्टाइल ऑफ आइडॉल। देखिए मथुरा स्टाइल ऑफ आइडॉल में आपको दिखा देता हूं, मैंने बताया, देख लो भाई सभी देख लो, मैंने बताया कि बैठे हुए रहेंगे, महावीर स्वामी की ज्यादातर जो मूर्तियां होती है वो इसी स्टाइल में होती है। देखिए देख रहे हैं, खड़े हो गए तो वो मथुरा स्टाइल नहीं है, बैठे हुए हैं तो वो मथुरा स्टाइल है। आजकल शायद यही वाला चीज जो है ना पंखा पे लगाया जाता है ऊपर में, पहले देखो इस तरह के भगवान अगर बैठे हुए हैं तो ये मथुरा शैली है, खड़े अगर हो गए तो वो मथुरा शैली नहीं है, ये सब फिर खत्म हो जाएगा, ये सब मथुरा शैली है, ठीक है, ये सब मथुरा शैली है, बैठे हुए जितने भी है सब मथुरा शैली है, ठीक है, जितने भी बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, देख रहे हैं तो ये सब। ये देखो यहाँ पे ये बुद्धा स्टाइल ऑफ गंधारा स्टाइल एंड आर्ट है, बुद्धा इस प्रकार से मैंने बताया था कि जब इस तरह से सेल्वेशन के मूड में बैठेंगे तो वो गंधारा स्टाइल होता है, ठीक है, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको गंधार भी दिखा चुका हूँ, आपको मथुरा भी दिखा चुका हूँ, आपको ले चलता हूँ सीधे अब कहाँ, अब आपको ले चलता हूँ दिखाने में किस इमेज पे, अमरावती स्टाइल ऑफ स्टैचू, अमरावती स्टाइल ऑफ आइडल, ओके लुक, अमरावती स्टाइल की मूर्तियां मैंने आपको बताई कि पत्थर पे काम होते हैं इसमें, इस प्रकार से देखो पत्थर पे मूर्तियां बनाई जाती है, पत्थर पे आंखें होती है, मैं वो भी मूर्ति आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से पत्थर पे इसको गुथा जाता है, अमरावती स्टाइल ऑफ स्टैचू। देखिए पत्थर पे होते हैं बेसिकली, यहाँ पे पत्थर दिख नहीं रहा है मेरे को, यहाँ पे जितना भी उन्होंने डाला है सब कार्व कर दिया है, पिक्चर काट कुट के लगा दिया है, पत्थर वाला मिल ही नहीं रहा है, बेसिकली जो मैंने आपको बताया वही है, देखो इसी प्रकार का, कुछ इसी प्रकार का, ठीक है ना, कुछ इसी प्रकार का, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उसी पे कुछ डिजाइन वगैरह जब बना दिया जाए तो ये बन जाता है आपका अमरावती स्टाइल ऑफ आर्ट। चलिए तो मैंने आपको तीन तरह की मूर्ति की स्टाइल दिखाई जो आपको जानना बहुत जरूरी था, ये सब चीज हो गया, क्या हुआ भाई, कवरिंग ओवर प्रीवियस लेक्चर, विल ज्वाइन योर क्लास एट द टाइम फ्रॉम द टुमारो, ओके भाई अजीम जी क्या दिक्कत है, कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की बहुत सारी राजधानी है वो सब पढ़ाऊंगा सर, वीडियो भी रहता तो अच्छा होगा, अच्छा ठीक है कर लेंगे सर, ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा, जल्दी खुलेगा, ठीक है क्या बात है भाई, तो कुछ इशू है, मनोज जी कह रही है मजाक हो रहा है, क्या मनोज जी क्या हो गया भाई, सर ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा, ठीक है अजीम जी कह रहे हैं डेली सेम क्वेश्चन ब्रदर, इट विल बी अनाउंस व्हेन द क्लासेस आर रीओपन, चलो ठीक है ये आप लोग का इशू है संभाल लो, इस इशू में हमको नहीं आना है। चलिए तो मैंने आपको बताया कि थ्री आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर स्टैचू आर्ट है, चलो ये भी हो गया, अब चलो आगे लिखो, ये तो मैंने बताया तीसरी चीज, चौथी चीज जो मैंने आपको बताया था कि आइडल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, तो मंदिर कैसे कैसे स्टाइल की है वो जानना जरूरी है, तो लिखिए बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को लिखिए, बिल्डिंग्स के बारे में क्या खास है इसके बारे में देखते हैं, तो बिल्डिंग्स भी आप देखोगे तो यहां तीन प्रकार की बिल्डिंग्स क्या है लिखिए, पहले तो हड़प्पा की भवन निर्माण, हड़प्पा की भवने पक्की हुआ करती थी, सबसे मोस्ट सिविलाइज सिविलाइजेशन था, पक्की हुआ करती थी, हड़प्पा की जो भवने हुआ करती थी वो पक्की भवने हुआ करती थी, फिर इस समय का जो बिल्डिंग रिमेनिंग्स है वो मंदिर से पता चलेगा, ठीक है तो लिख दीजिए भवनों के बारे में अधिक जानकारी, भवनों के बारे में अधिक जानकारी मंदिरों से मिलती है, मंदिरों से मिलती है, तो अब मंदिर के स्ट्रक्चर को हम लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत प्रकार के मंदिर के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब स्ट्रक्चर को आपको मैं दिखाता हूँ बताता हूँ किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं बना दिए जाते हैं और वो आपको जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है।
चलिए देखिए, तो तीन प्रकार के बिल्डिंग स्टाइल हैं, कौन कौन से हैं तो यहां लिख दीजिए, स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग। उत्तर भारत में जो मंदिरें होती हैं वो नागर शैली की होती है। कई बार पूछा गया है कि उत्तर भारत की मंदिर किस शैली की है, तो नागर शैली की है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो बेसर शैली आता है, और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो द्रविड़ शैली आता है। द्रविड़ शैली मतलब उत्तर भारत में जितनी भी मंदिर होंगी वो सब नागर शैली की होंगी, बेसर शैली मध्य भारत की होगी, और द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत की शैली होगी। ठीक है, इसमें सबसे खास क्या है, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत तो एक बात हो गई, नगर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। इसमें जो सबसे कठिन बात है, जो सबसे अच्छी बात है, उन बातों को मैं करवा देता हूँ। नागर शैली में अगर आप देखोगे तो मंदिरें कुछ इस प्रकार की होती है, मैं एक रफ स्ट्रक्चर खींच दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ऐसा, और मंदिरों के ऊपर एक झंडा लगा हुआ होगा। कुछ ऐसा मंदिर अगर मिले तो समझ लीजिए भी नागर स्टाइल की मंदिरें हैं। कई बार पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड में जितनी भी मंदिर है वो किस स्टाइल की बनी हुई है, तो निश्चित रूप से वो उत्तर भारत की मंदिर है, तो वो कैसी होगी, नागर शैली होगी। द्रविड़ स्टाइल की बात की जाए तो द्रविड़ स्टाइल की मंदिरें कुछ ऐसी होती है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए द्रविड़ भारत की जो मंदिर होगी ना उसमें ऐसा है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ इस प्रकार से गोल गोल कर दिया जाएगा, ऊपर तक जाएगा, तो ये हो जाता है द्रविड़। और बेसर शैली में क्या होता है ना, मध्य भारत की मंदिर है, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट मिला जुला होगा। बेसर भारत में आप देखोगे कि एकदम सिंपल ऐसा भी मंदिर बन जाता है, कहीं कहीं देखोगे तो एकदम ऐसा भी मंदिर बना देते हैं लोग, ऐसा भी मंदिर लोग बना देते हैं, दिखाता हूँ कैसा, ऐसा लोग बना देते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसा डिजाइन करवा देते हैं, तो मतलब दोनों का मिक्सअप है। नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्सर कौन है, बेसर शैली है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कामाख्या मंदिर किसका उदाहरण है, कामाख्या मंदिर बेसर शैली का है या द्रविड़ शैली पर है, ये सब का चीज आपसे बताया जाएगा। ठीक है, तो हाँ अजीम जी सर प्लीज इंग्लिश में भी काइंड रिक्वेस्ट टू यू। ओके गाइस, नागर शैली मीन्स नागर स्टाइल, बेसर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल, नथिंग इन इंग्लिश, ये सब इंग्लिश ही है, आप समझ लीजिए अजीम जी। और प्लीज अगर कुछ गलती हो तो बता दिया कीजिए इंग्लिश में भी। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, सर बाबू सब करवाएंगे ऐसे मत पूछो, सर इमेज क्लास के पहले ही डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई फायदा ऐसे होने वाला नहीं है, तुरंत तो काम हो ही जाता है, और क्लास में जब मजा आता है वो पहले से करके रखूंगा तो आएगा नहीं ना मजा, फिर भी तो खोजना ही पड़ेगा, पहले से डाउनलोड करेंगे तो सब एक जगह पे थोड़ा ही रहेगा, सब तो खोजना ही पड़ेगा मेरे को। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, चलो इनसे सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो आपको इन तीनों स्टाइल की मंदिरें मैं आपको दिखाऊं कि नागर शैली की मंदिर कैसी होती है, बेसर शैली की मंदिर कैसी होती है। तो देखो मैंने डाला नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल, देखिए आपको दिख रहा होगा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, दिख रहा है ना, अयोध्या वगैरह सब मंदिर जो है ना, अयोध्या तो खैर बनेगा तीनों। देखो ये बेस्ट एग्जांपल है बाबू, देख लो ये बेस्ट एग्जांपल है। नागर शैली में क्या हुआ आप देखो, दिखा देता हूं अच्छे तरीके से, देखो आप देखिए कुछ इस प्रकार से मंदिरें बनी। ठीक है, ऐसा ये बेसर श्रेणी हो गया जिसमें द्रविड़ और नागर दोनों को मिला दिया गया, देखो इसमें ऐसा ऐसा डिजाइन भी है और ऐसा वाला भी डिजाइन है। और द्रविड़ शैली में क्या होता है कि ऐसे ऐसे पूरा घूम के बनता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा अंतर है तीनों में, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। कुछ और आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स में दिखाता हूँ नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली का, बहुत सारे मंदिर है। देखिए ये नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, नागर स्टाइल क्या होता है, गुंबद नुमा होता है आप देखिए, और इसमें बहुत सारे टर्म्स भी होते हैं, जैसे इसे ब्रांदिका कहते हैं, ये जो हो गया ना यहाँ पर इस तरह से जो खड़ा खड़ा आप देख रहे हो इसको शिखर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो जो ऊपर में एक लोटा टाइप का रखा हुआ रहता है मंदिर के गुंबद के ऊपर, उसे कहा जाता है बीजूपुर का, उसे कहा जाता है बीजूपुर का। तो अलग अलग सारी की सारी स्टाइल है इसमें, वो सारी चीजें भी आपको समझनी होती है। खैर अभी आप उतना मत समझिए क्योंकि अभी आपसे उतना सवाल पूछे नहीं जाएंगे, जो पूछे जाएंगे बस मैं आपको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन किस स्टाइल का मंदिर है। जल्दी बताओ तो ये किस स्टाइल का टेम्पल है, बताओ ये किस स्टाइल का टेम्पल है, नागर है कि बेसर है कि द्रविड़ है, क्या लग रहा है ये किस स्टाइल का टेम्पल है, ये नागर है कि बेसर है कि द्रविड़ है, जल्दी बताओ, सब लोग कमेंट कीजिए।
बेसर मागर नागर बेसर बेसर। अरे बाबू ये नागर स्टाइल है, ठीक है ना, नागर स्टाइल है, बेसर नहीं है। नागर मैंने बताया ना, नागर अगर इस तरह की मंदिरें रहेंगी, अगर ऐसी मंदिर रहे ना ऐसे, अरे यार अगर ऐसे मंदिर रहे, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे गुंबद देखो ना गुंबद, बाबा धाम गए हो, बाबा धाम क्या है, यही नागर स्टाइल में बना हुआ है। अगर जिसमें भी गुंबद नुमा बनेगा, मतलब बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा गुंबद अगर बन जाएगा, तो समझ लेना है कि वो नागर स्टाइल की टेम्पल है, ठीक है। चलो और भी आपको दिखाता हूँ दो तीन, उसके बाद दो चार मंदिर जो एग्जाम में पूछता है वो भी लिखवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कभी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बताओ तो ये किस स्टाइल का टेम्पल लग रहा है, बहुत फेमस टेम्पल है, आप देखे होंगे, तिरुपति बालाजी, ठीक है, बताइए किस स्टाइल का टेम्पल लग रहा है, नागर है कि बेसर है कि द्रविड़ है, नागर है कि बेसर है कि द्रविड़ है, द्रविड़ स्टाइल है, चलिए बहुत अच्छी बात है, द्रविड़ स्टाइल है, नागरा नहीं है, द्रविड़ स्टाइल है, ठीक है ना। द्रविड़ स्टाइल में मैंने बताया ना कुछ इस प्रकार का डिजाइनिंग होगा, देखो द्रविड़ स्टाइल में कुछ इस प्रकार का डिजाइनिंग आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसा ये हो गया द्रविड़, द्रविड़ में कुछ ऐसा स्टाइल होता है। अब चलो बेसर भी आपको दिखाई दूं, बेसर शैली भी आप देख लो, नागर स्टाइल देख लिया, अब बेसर स्टाइल भी आपको दिखाता हूं एक, जब दोनों स्टाइल मिल जाए तो हो गया वो बेसर स्टाइल, ठीक है, और जब अलग अलग रहे तो फिर अलग अलग ही बनेगा। अब इसमें तो खैर बहुत सारा दिया है, चलिए आपको तो सब दिखाई दिया, अब लगभग लगभग क्या देखिएगा, सब तो दिखाई चुके हैं, कुछ तो छोड़े नहीं है, लमसम लमसम सब बता ही दिया है आप लोगों को। अब दो चार ऐसे चीजें जो एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है, तो मैं उन चीजों को लिखवा देता हूं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फील होगी, ठीक है। देखिए बेसर स्टाइल की मंदिर है, देख लो बेसर स्टाइल की मंदिर, आपको दिख रहा होगा कि ऐसा ऐसा डिजाइन भी है, ऐसे ऐसे भी गया है, और खड़ा कैसे है, ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे जब मंदिर बनता है, मतलब जिसमें नागर और नागर और द्रविड़ दोनों का स्टाइल आ जाता है, उसी को आप बोलते हो बेसर शैली, ठीक है। चलिए ये सब लिख लिया, अब आप नया टॉपिक लगाइए इसी में, जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो लिखिए, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स विथ देयर आर्ट इन इंडिया। देखिए तो अलग अलग टेम्पल है, अलग अलग सबका स्टाइल है, मैं कुछ टेम्पल्स आपको दिखा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट शायद किया होगा, पिक्चर के साथ अगर दिया होता तो अच्छा होता, ठीक है। तो लिख दीजिए जिनसे आपको सवाल पूछे जाते हैं, लिखिए, ये सवाल कई बार पूछे जाएंगे, बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा कर देता हूं मैं, बड़ा होगा नहीं, इसका साइज ही छोटा दिया है, चलिए कोई नहीं, आप लिखिए इतने में ही लिखिए। लिखिए सबसे पहले सन टेम्पल कहाँ है, कोणार्क ओडिशा में, जल्दी जल्दी लिखो। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क ओडिशा में है, हाँ बोध गया में भी है, हर तरह का है, जल्दी करिए सर जी, खेत में जाना है काम करने, अरे यार ये कौन सी बात हुई, टाइम जो है क्लास करने का वही ना करेंगे, खेत में काम करना है, आप थोड़ा लेट चल जाना, क्लास तो है 8 से 9 तो 9 ही चलेगा ही ना, उससे पहले कैसे खत्म कर दे बताइए। सन टेम्पल है कोणार्क ओडिशा में, उसके बाद लिखो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबका इमेज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मत घबराओ, सब मंदिर घुमा देंगे आज, दर्शन करवा देंगे सारे भगवान का। लिखो सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे लिखो बाबू, आगे लिखो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, लिखते चलिए, पूछा हुआ चीज है, फालतू का काम मैं नहीं करवा रहा हूं, जो सबसे काम का काम है वो करवा रहा हूं, लिखो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। आगे लिखो केदारनाथ मंदिर प्रयाग रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, जगह का नाम देता है कि रुद्रप्रयाग में है कि चमोली में है कि कहां है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है,
रुद्रप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आगे लिखो सांची स्तूप सांची मध्य प्रदेश में है। 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 अगर आप देखोगे तो भारत की जो करेंसी नोट है उसमें सांची स्तूप का फोटो है। उसके बाद लिखो रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु। बहुत बार पूछा है रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु। आगे लिखो गोल्डन टेंपल अमृतसर पंजाब गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर आप इसे कहते हो, सिखों के चौथे गुरु द्वारा बसाया गया। गोल्डन टेंपल अमृतसर पंजाब। आगे लिखो श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर पूरी उड़ीसा। कभी जाओ उड़ीसा तो इनके रथ यात्रा निकलता है, बहुत अच्छा आनंदित होता है, देखने वाला पल होता है। तो आपने लिखा श्री जगन्नाथ टेम्पल पूरी ओडिशा। आगे लिखो मीनाक्षी मंदिर, बहुत कई बार पूछा है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु। आगे लिखो बाबू लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा। कई बार पूछा है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा। जितने भी लोग हैं मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़िए, बोर नहीं होना है बस। सर प्लीज गिव मी द नेम ऑफ योर टेलीग्राम चैनल। ओके बिंग जीएस गुरु, आप जाइए बिंग जीएस गुरु आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बिंग जीएस, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। चलिए तो लिंगराज टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उसके बाद आगे लिखो तिरुपति बालाजी मंदिर, कई बार पूछा है तिरुमाला आंध्र प्रदेश, लोग तमिलनाडु मार के आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नहीं है, लोग तमिलनाडु मार के आ जाते हैं, गलती हो जाता है उनका। चार धाम कौन कौन से है चलिए वो भी लिखवा देते हैं, अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि लिख दीजिए तिरुपति बालाजी टेम्पल तिरुमाला आंध्र प्रदेश, लिख लो चार धाम का नाम लिख लो। तो चार धाम सड़क परियोजना पे भी चल रही है, चार धाम का नाम लिखो। चार धाम कौन कौन है? चार धाम सबका नाम लिखो। तो लिखो पहले बद्रीनाथ, चार धाम में पहला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में है, ये वही चमोली है जहां 2013 में बादल फट गया था और जो त्रासदी आई थी वो आज तक सभी को याद है। तो चार धाम में पहला है बद्रीनाथ, लिख दीजिए चार धाम में पहला क्या है? बद्रीनाथ। दूसरा धाम है केदारनाथ। तीसरा धाम है गंगोत्री। चौथा धाम है यमुनोत्री। यही चार धाम है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री, चार धाम। बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, अगर जिसने चार धाम कर लिया उसने जीवन को जी लिया, मेरा यही मानना है। मुझे अगर मौका मिले तो एक बार इन सब धाम को जाना पहले पसंद करूंगा, क्योंकि जीवन में कुछ लेके तो जाना नहीं है, हाँ प्रभु का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ काम हो भी नहीं सकता है। चलो लिंगराज मंदिर लिख लिया, तिरुपति बालाजी मंदिर लिख लिया, अब लिखो कांचीपुरम टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु। बहुत अच्छा मंजीत, आपने चारों नाम लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श कह रहे हैं ऑफलाइन कब से चलेगा? 1 जुलाई से चलेगा, ठीक है, सरकार कहेगी तब देख लीजिएगा, 1 जुलाई से चलेगी अगर सरकार कहेगी तो, नहीं तो सरकार का इंतजार कीजिए, जब वो कहे तब चलेगा। कांचीपुरम मंदिर है कांचीपुरम तमिलनाडु में। आगे लिखो खजुराहो, कई बार खजुराहो का मंदिर कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में, लिख दो खजुराहो का मंदिर है खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो की मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। आगे लिखो बिरुप्सका टेम्पल, बिरुप्सका
बिरुप्स्का टेम्पल हम्पी कर्नाटका, बिरुप्स्का टेम्पल हम्पी कर्नाटका। आगे लिखो अक्षरधाम, कई बार पूछा गया अक्षरधाम कहाँ है, दिल्ली में है। अक्षरधाम दिल्ली की मंदिर है, अक्षरधाम, अक्षरधाम दिल्ली, अक्षरधाम दिल्ली। इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा, मोदी जी जैन धर्म में भी गए थे कुछ दिन पहले शामिल होने के लिए, तो श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली में है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है जैनियों का और कुछ दिन पहले इसने अपना सेंचुरी भी पूरा किया है। तो श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर कहाँ है, तो दिल्ली में है, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर दिल्ली में है। आगे लिखो गोमतेश्वर मंदिर, बहुत फेमस, कई बार पूछा है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका, प्रसिद्ध गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है, श्रवण बेलगोला, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर अपने प्राण को त्यागा था संलेखना विधि के द्वारा। श्रवण बेलगोला वही है जहां से जोग जल प्रपात, जोग जल प्रपात का नाम सुना होगा, गरसोप्पा जल प्रपात का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी वाटरफॉल का नाम सुना होगा, तीनों एक ही है, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल, इन तीनों वाटरफॉल जो है ना यही श्रवण बेलगोला कर्नाटका से ही गिरती है, याद रखोगे, बहुत सुंदर नजारा है गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला कर्नाटका। आगे लिखो श्री पद्मा स्वामी टेम्पल, ये सवाल पिछली बार बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, त्रिवेंद्रम केरला में है, लोग तमिलनाडु मार के आए थे। श्री पद्मा स्वामी मंदिर सबसे सबसे अमीर मंदिर है, पद्मा स्वामी मंदिर, पद्मा स्वामी मंदिर केरला, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम केरला, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रपुरम राजधानी है, इसी त्रिवेंद्रम में है श्री पद्मा स्वामी मंदिर, पद्मा स्वामी मंदिर लिखा। अब आगे लिखो द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिका गुजरात, द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात, द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात। आगे लिखो लक्ष्मी नारायण मंदिर, कई बार पूछा है, दिल्ली में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, लिख दीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगला लिखो, ये तो सबको फंसा देता है, इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर तो पटना में भी है, इस्कॉन मंदिर तो हर जगह है, लेकिन इस्कॉन मंदिर का जो मेन जो मंदिर है वो कहाँ है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, जहाँ कृष्ण जी है, ठीक है, तो लिख दीजिए इस्कॉन मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, इस्कॉन मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, इस्कॉन मंदिर कहाँ है, वृंदावन में है, उत्तर प्रदेश में है। आगे लिखो कामाख्या मंदिर, महाबोधि तो आपको पता है गया में है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में, पूछा हुआ है कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो गुवाहाटी असम में, पूछा हुआ है, याद रखोगे कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो गुवाहाटी असम में है कामाख्या मंदिर। आगे लिखो नीलकंठ महादेव, कितनी बार पूछा है ये, ऋषिकेश उत्तराखंड, नीलकंठ महादेव कहाँ है, तो ऋषिकेश उत्तराखंड में है, नीलकेश महादेव, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव है ऋषिकेश उत्तराखंड में, नीलकंठ महादेव है ऋषिकेश उत्तराखंड में। और ये वो खबर जिसने सबको हिला दिया था 4 जून 2020 की, जहां पे एक प्रेग्नेंट हाथी को किसी ने बम वगैरह या फायर क्रैकर्स वगैरह खिला दिया, उसके अगल बगल फोड़ दिया था, जिस कारण से बेचारी हथनी मर गई थी, मानवीयता को छाड़ छाड़ कर देने वाला एक पल था जिसने मानवीयता का धज्जी उड़ा दिया कहा जाए तो। नीलकंठ महामंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड। आगे लिखो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, ऑफलाइन जल्द होगा, लिखिए मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा। आगे लिखो श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम कर्नाटका, श्री रंगानाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम कर्नाटका, श्री रंगानाथ स्वामी स्वामी टेम्पल श्रीरंगम कर्नाटका, ठीक है। तो दीज आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया।
अब मैं कुछ वो टेम्पल्स लिखवा देता हूँ जो नागड़ा बेसरा और इसका से पूछता है, ठीक है ना। लिख दो एग्जाम्पल्स ऑफ नागड़ा स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल। देखिए लिखते चल जाओ, जो जिस स्टाइल का सब मैं आपको बता दे रहा हूं। लिखो सबसे पहले कंदरिया महादेव, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में है, कंदरिया महादेव। पिक्चर ही तो इन्होंने नहीं दिया, कुछ अच्छा करना था। चलो लिखो, दे दिया दो चार, लिखो। पहले लिखो कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश, दूसरा लिखो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। बहुत बार पूछा है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो में है लक्ष्मण मंदिर। लो दर्शन करो, दे दिया है, ये लक्ष्मण मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। देख लो, नहीं देखने को मिलेगा जिंदगी में कभी भी फिर, क्योंकि सब जगह ना तुम घूम सकते हो ना हम घूम सकते हैं, आप घूम सकते हो, जिंदगी बड़ी है बट चांसेस कम है शायद। ये देखो, ये है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव, ठीक है। ये सब आपका किस में आता है, सब आपका नागड़ा स्टाइल का मंदिर है, ठीक है। आगे देखो, ये है सन टेम्पल मोढ़ेरा, ये भी लिख लो सन टेम्पल मोढ़ेरा। एक सन टेम्पल है कोणार्क ओडिशा में और एक सन टेम्पल है मोढ़ेरा गुजरात में, ठीक है। लिख लीजिए सन टेम्पल मोढ़ेरा, ये सब किसका स्टाइल है, तो सन टेम्पल मोढ़ेरा वगैरह सब जो है ना नागड़ा स्टाइल है, सन टेम्पल मोढ़ेरा। ये देखो कामाख्या मंदिर है, कई बार पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर किस स्टाइल में बना हुआ है, तो ध्यान रखोगे कि कामाख्या मंदिर जो है ये भी आपका नागड़ा स्टाइल में ही। देखो वहां ऊपर जाके ऐसा हो गया ना, गुंबद टाइप का झंडा लगा हुआ है, झंडा लग गया तो समझ लो कि वो नागड़ा स्टाइल हो गया। कामाख्या मंदिर असम गुवाहाटी में है, नागड़ा स्टाइल में है। पार्वती जी जो है वो यहाँ पर उन्हीं की पूजा होती है, पार्वती जी का जोग टोटमा ये सब जो होता है ना वो यहीं पर होता है, ठीक है। आगे लिख दीजिए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पूछा हुआ है, बराकर असम में है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बराकर असम में है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बराकर असम में है। ये देखो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है, ठीक है। ये जगन्नाथपुरी टेम्पल है, दिख रहा है ये सब। जगन्नाथपुरी टेम्पल किस में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है मध्य भारत की मूर्तियों में, बेसर शैली में, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये बेसर शैली में बना हुआ है, देखो मिक्सअप किया हुआ है, तो जो भी मिक्सअप वाला मिल जाए, देखो ये सब क्या है, सब मिक्सअप है, ठीक है। अब ये देखो द्रविड़ा और द साउथ इंडियन स्टाइल में अब आपको हम लेकर आ रहे हैं। साउथ इंडियन स्टाइल का लिखो सोर मंदिर महाबलीपुरम, मोदी जी गए थे यहाँ पर सी जिनपिंग को लेकर। लिख दीजिए दक्षिण भारत की मंदिर सोर मंदिर महाबलीपुरम, सोर मंदिर महाबलीपुरम। लिख लो बाबू, जिंदगी नसीब नहीं होता ये सब घूमने का, ये तो गूगल है जो हम लोग रहे, सच्चाई यही कि हम लोग भी कभी ना देख पाए शायद, कितना घूमेंगे। केवल घूमना थोड़ी है, पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। सोर मंदिर है महाबलीपुरम। आगे लिखो बृहदेश्वर मंदिर तो लिखवा ही दिया है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का लिख लो, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा, कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो महाबोधि मंदिर जो गया का है ना, ये भी जो है बनाया गया है द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ शैली की मंदिर है। तो लिख दीजिए महाबोधि टेम्पल ऑफ गया किस स्टाइल में है, तो याद रखना है ये भी दक्षिण भारत के स्टाइल में है, ठीक है, महाबोधि टेम्पल ऑफ गया। तो मैंने आपको सारे स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बता दिए, अब टेम्पल्स की कोई स्टाइल बची नहीं है। ये तीन प्रकार की टेम्पल्स होती है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। एक सन टेम्पल औरंगाबाद बिहार में भी है, जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, एक सन टेम्पल जो है वो औरंगाबाद बिहार में भी है। चलिए तो बहुत सारी मंदिरों को मैंने बताया, मैंने मंदिर पे विशेष जानकारी आपको दे दी। अब लिखिए पॉटरी मृदभांड, अब लिखो पॉटरी मृदभांड। पॉटरी कई प्रकार की है,
पॉटरी, मृदभांड। देखिए तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी की बर्तनें मिली है, उन्हीं मिट्टी के बर्तनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पकी हुई कच्ची दोनों प्रकार की मिट्टी की बर्तनें मिली है, लेकिन ज्यादातर मिट्टी की बर्तन जो पकी हुई अवस्था में मिली है हम उसी को बता पाएंगे, क्योंकि कच्ची मिट्टी के जो बर्तन थी वो मिट्टी में मिल गए। तो लिखिए मिट्टी की पकी हुई बर्तनें पाई गई हैं। ये पूछा हुआ है कच्ची मिली है कि पक्की मिली है, तो पकी हुई मिली है, कच्ची नहीं मिली है, कच्ची तो मिट्टी मिली गई, ठीक है ना। लिख दीजिए मिट्टी की देखो ये तीन ये चार प्रकार के बर्तन मिले हैं। BRW का मतलब होता है ब्लैक एंड रेड वेयर, OCP का मतलब होता है अकर्ड या अकुपाइड कलर्ड पॉटरी, ये होता है नॉर्दर्न ब्लैक वेयर। ये अलग अलग प्रकार की मिली है, और ये होता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। तो ये चार प्रकार के मृदभांड मिले हैं। ये याद रखोगे कि चार प्रकार के मृदभांड होते हैं, BRW, OCP, NBW और NBPW, ठीक है। चार प्रकार के पाए गए हैं टोटल पॉटरी, जिसको आप मृदभांड कह रहे हो। और इसका अरेंजमेंट भी यही है कि पहले BRW मिला, फिर OCP मिला, फिर NBW मिला और फिर NBPW मिला। ये एक बार UPSC 2014 में पूछा था, ठीक है। बाद में BPSC ने भी रिपीट किया, और अब हो सकता है कि बिहार दरोगा या बिहार पुलिस भी पूछ ले, ठीक है। और एक ऐसे भी लोग कहते हैं कि पहले OCP आया, फिर NBW आया, फिर BRW आया और उसके बाद NBPW आया। तो बर्तन का नाम रखा गया दो तरीके से, होता नहीं है नया स्टाइल फिर बाद में चेंज होता है, तो कुछ वही चीजें यहाँ पर हुई है। तो ये है पॉटरी, ये है मृद भांड, ठीक है। तो आपने मृद भांड को भी समझ लिया, आपने आइडल्स को भी समझ लिया, आप लोगों ने क्वाइंस को भी समझ लिया, आप लोगों ने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी समझ लिया, आप लोगों ने वो हर एक चीज समझ लिया जो आपको समझना था। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझना है। जब कुछ नहीं समझना है तो मतलब क्लास की एंडिंग की टाइम हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले दिन जब मिलेंगे तो आगे और भी चीजों को हम करवाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।